टिकट बंटवारा हुआ, इस पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भी बयान आया है। कहा, कांग्रेस उम्मीदवारों को लेकर जो ऐलान हुआ उसमें देरी नहीं हुई है, विकास बीजेपी ने नहीं बल्कि कांग्रेस ने करवाया है। हुड्डा ने कहा कि साउथ में साफ, नॉर्थ में हाफ गया बीजेपी का ग्राफ, टिकट बांटने में कोई देरी नहीं हुई, कांग्रेस ने बिल्कुल सही वक्त पर टिकट बांट। कांग्रेस ने किया है, छत्तीसगढ़ राज्य का विकास किया है, सबको है प्रत्यक्ष कमांड, बाकी जो है साउथ में बीजेपी साफ, नॉर्थ में हाफ बीजेपी का गिर गया ग्राफ। कांग्रेस ने इतना देरी क्यों कर दी अपने कैंडिडेट को उतारने में? क्या कोई देरी? कोई देरी नहीं, नॉमिनेशन से पहले ही होती। नाम आ रहा किसका नहीं आ रहा, उससे पहले बहुत हवाई किले चलते रहे जी मीडिया में जी, लेकिन पहले जो मीडिया में नाम आते रहे उनमें भी कुछ ना कुछ तब्दीली देखने को मिली होगी, तो अब ये जब मिलेगा, जब ये होगा मजबूत आदमी होगा जो गुड़गांव से कैंडिडेट जो जीतने वाला। कैप्टन अजय कहीं ना कहीं नाराज नजर आ रहे हैं, और परसों भी राहुल गांधी को जो है उन्होंने एक चिट्ठी दी है। कोई नाराज नहीं है, सारे कांग्रेस जन एक है और सब मिलकर के चुनाव लड़े। पार्टी ने फरीदाबाद से महेंद्र प्रताप को टिकट दिया है। टिकट मिलने के बाद उन्होंने कहा कि वो टिकट की रेस में नहीं थे, पार्टी ने उन्हें टिकट दिया क्योंकि लोगों की ऐसी भावना थी, इसी भावनाओं को देखते पार्टी ने उन पर दांव खेला है। साथ है सारे, वो कोई अलग थोड़े है यार, टिकटार्थी टिकट मांगते हैं। मैं तो टिकटार्थी नहीं था, आप टिकटार्थी थे, आप दावेदार भी नहीं थे। मैं दावेदार भी नहीं था, तुम जानते हो। मुझे तो बिल्कुल सबकी सहमति से ही कि भाई जो जनता की भावना है, जनता जिसे एक्सेप्ट कर रही है, पार्टी ने जन भावनाओं का आदर किया। अंबाला लोकसभा सीट से कांग्रेस ने वरुण मुलाला को टिकट दी है, और इस टिकट मिलने के बाद न्यूज 18 से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि अब जनता बीजेपी को हटाने का मन बना चुकी है, तैयारी लोकसभा की मैंने नहीं बल्कि मेरे लोगों ने कर रखी थी, कोई आज से लड़ाई नहीं है, हम सारे एकजुट होकर ये लड़ाई लड़ेंगे। वहीं रावदान सिंह को भिवानी महेंद्रगढ़ से टिकट मिली है, इस पर उन्होंने कहा कि मुझ पर कांग्रेस ने भरोसा किया है, जीत कर ही आएंगे, जनता बीजेपी से परेशान हो चुकी है। श्रुति चौधरी का टिकट काटकर रावदान सिंह को इस बार पार्टी ने चुनाव मैदान में उतारा है। विधायक रावदान सिंह को भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से कांग्रेस का उम्मीदवार बनाए जाने के बाद महेंद्रगढ़ शहर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लड्डू बांटकर खुशी मनाई। महेंद्रगढ़ विधानसभा से पहली बार कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा के लिए टिकट दिया है। उधर करनाल से युवा नेता दिव्यांशु बुद्धि राजा को टिकट मिलने पर उनके परिजनों, समर्थकों, कार्यकर्ताओं ने भी एक दूसरे का मुंह मीठा करवाकर जश्न मनाया। जश्न मनना शुरू हो गया है, ये टिकट मिलने की खुशी में एक दूसरे का मुंह मीठा करवाया जा रहा है। करनाल से एक चौंकाने वाला नाम हम पहले भी कह चुके हैं, दिव्यांशु बुद्धि राजा, युवा नेता है कांग्रेस के, यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं, उनको टिकट दिया है। सामने है उनके पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल, यहाँ पर जश्न की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जैसे टिकट अनाउंसिंग, उसके बाद समर्थकों कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़े की थाप पर नाचना शुरू किया, मुंह मीठा करवाया। महेंद्रगढ़ में आप कार्यकर्ताओं को देख रहे, रावदान सिंह के समर्थक हैं। श्रुति चौधरी का टिकट काटकर विधायक रावदान सिंह को इस बार लोकसभा के चुनावी रण में पार्टी ने उतारा। धन्यवाद करता हूं जो उन्होंने इस काबिल समझा और सर्वे करवा के रावदान सिंह जी को टिकट दिया है। इसके लिए पूरे महेंद्रगढ़ से लेकर नांगर चौधरी से भिवानी तक नौ विधानसभा पड़ते हैं, नौ की नौ विधानसभा में रावदान सिंह हर विधानसभा से लीड देंगे और भारी मतों से जीतेंगे। आज से आपको जो जोश दिखाई देगा इलाके अंदर, वो आपको कभी नहीं दिखाई दिया होगा, क्योंकि हमारे लिए, इलाके के लिए, छत्तीस बिरादरी के लिए बहुत मान सम्मान की बात है कि हमारे इलाके के किसी बेटे को ये टिकट मिली है, और हमने इतनी जो पुरजोर मदद करनी है कि जिससे हम इनको चुनाव का देश की सबसे बड़ी संसद के अंदर इनको भेज सके। धन्यवाद करता हूँ जो मेहनत नहीं है, ये यहाँ पर जितने भी आपको युवा साथी दिखाई दे रहे हैं उन सबकी मेहनत का नतीजा है कि भाई आज इस कदम मुकाम पर पहुंचे हैं,
और हम सभी मिलकर ये भी आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि दिन दोगुनी रात चौगुनी करके दिव्यांशु भाई को जरूर कामयाबी दिलवाएंगे और आने वाले लोकसभा चुनाव में 25 तारीख को भाई दिव्यांशु बुद्धि राजा को बहुत ही भारी मतों से विजयी बनवाएंगे। बहुत बहुत खुशी हुई मेरे को, मतलब कोई राजनीतिक परिवार नहीं ले लिया, ना कोई चीजें नहीं, ना उम्मीद थी, बस उम्मीद के सिर पे सब कुछ था। मतलब कभी सोचा था मतलब एक ऐसे परिवार को टिकट मिलेगी? ना ऐसे नहीं सोचा था, ऐसे नहीं सोचा था, लेकिन ये ऊपर वाला की दया है और चौधरी भूपेंद्र सिंह और दीपेंद्र सिंह जी की मेहरबानी से ये राहुल गांधी जी की। खुश हो? बहुत 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 खुश, मैं बीमार था और मतलब ये सबको पता है, लेकिन मेरे को खुशी इस बात की है कि परमात्मा ने आशीर्वाद दिया